पीएम मोदी करेंगे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले करेंगे, ऐसी खबर जो है वो एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर द्वारा चलाई गई है। 1.3 किलोमीटर लंबा ये चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई चिनाब रिवर बेड से 359 मीटर ऊंची बताई जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स लगाने का काम काज जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरा सफ़र रहा। चनैनी नाशरी टनल के बाद ये एक बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है, जिला रियासी के लोगों को जो है वो मिलने जा रही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की बात करें तो 272 किलोमीटर लंबी इस रेल लिंक परियोजना के पूरे होने का सपना पूरा भारत देख रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के जरिए पहुँचने के लिए हर भारतवासी जो है वो इच्छुक है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब रेल के जरिए कश्मीर तक भी जा सकेंगे जब रेलिंक परियोजना का कामकाज मुकम्मल हो जाएगा। हर भारतवासी का सीना जरूर गर्व से चौड़ा हो जाता है जब इस ब्रिज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन सलाम है उन लोगों को जिन लोगों ने इस ब्रिज को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दो मजदूर जो हैं वो इस ब्रिज को बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों लाखों मजदूरों ने यहाँ पर काम किया है। अफकॉन्स हो, नॉर्दर्न रेलवेज हो, या छोटे से छोटा अधिकारी हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो, सभी ने जो है वो इस ब्रिज को बनाने में अपना अहम रोल बनाया है। और भारत सरकार की अगर हम बात करें तो साल 2003 में इस ब्रिज को यहाँ पर जो है वो इस ब्रिज का कामकाज जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन 2014 के बाद ही इस ब्रिज के कामकाज में जो है वो तेज़ी आई है। इससे पहले ये बताया जाता था कि इस ब्रिज पर जो है वो काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज़ बताए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद इस ब्रिज पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया, और आप क्योंकि जानते हैं कि इस ब्रिज को मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऐसा जो है वो यहाँ के ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ पर ऑफिशियल्स द्वारा एक मीटिंग भी की गई थी, जिसके बाद कामकाज में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, और आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो अब लगाने का कामकाज शुरू किया गया। इससे पहले काफ़ी सारे कामकाज किए गए जिनमें ट्रैक लेइंग की बात करें या फिर अन्य कई प्रकार के टेस्ट यहाँ पर किए गए। जब ट्रेन छुक छुक करती हुई बक्कल से निकलती हुई कोड़ी पहुँचेगी तो यकीनन वो दृश्य देखने वाले होंगे। अब डेली एक्सेलसियर की तरफ से ये खबर चलाई गई है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि सोर्सेज जो ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से उनको ये जानकारी मिली है, और कुछ दिन पहले भी यहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स जो है वो पहुँचे थे जायजा लेने के लिए। तो ये एक बड़ी सौगात है कि रियासी ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचेंगे और इस पुल का जो है वो उद्घाटन करेंगे, और बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है। मैं आपको फिर बता दूँ 1.3 किलोमीटर लंबा ये चिनाब ब्रिज, और मेरे सामने आप जो एक क्रेन देख रहे हैं इस क्रेन का भी अपना ही एक इतिहास है। पहले दिन से इस क्रेन की मदद से ही यहाँ पर जो है वो कामकाज किया जा रहा है, और हर भारतवासी का सीना जो है वो गर्व से ज़रूर चौड़ा हो जाता है जब भी इस ब्रिज की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। और यकीनन अब ये एक बड़ा अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, और कामकाज जो है वो इस समय काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी जो है वो आपके सामने, अधिकतर न्यूज़ पोस्ट 88 राहुल कपूर की स्पेशल रिपोर्ट, कैमरा मैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।